ఇలాగే నన్ను మీ కొన్ని ఫోటోలు పోస్ట్ చేస్తాను यार मैं कोई की फोटो कर दिया तो कम कर रहा क्या करने वाले तो बाबा ने फोटो कराने तो ऑफिस में मिलने चल रहे हैं आज के तो इसमें बाबा ने रखा है वो बाबा ने यार करके तो इच्छे मत उधर उसे लड़के से मुलाकात कैसे हुई भाई फोन पे उसने किया फोन या तूने किया था मैंने तो किया था उसके बाद तो दोनों तरफ से गलती से मिल गया होगा फोन हुआ था बोल मुझे इतना मिली कि आपके थाना क्षेत्र में किसी होटल से किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया है और 3 लाख रुपये फिरौती के मांग रहे हैं इससे और बस स्टैंड पर उसके परिवारजनों को 3 लाख रुपये लेके बुलाया है। इस इतला के बाद में तुरंत ही श्रीमान एस पी साहब का फोन आ गया कि आपके एरिया से अपहरण हो गया, तुरंत टीम बना के जाएँ और सादा वस्तु में उनको पकड़ा। इसके बाद में हम बस स्टैंड पहुँचे, तलाश किया, नहीं मिला। होटलों पर भी इस तरह के पुष्पेंद्र नाम के आदमी की तलाश के लिए टाटगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि भाई ये हमारे एरिया का है लेकिन आपके यहाँ से अपहरण हुआ है इसका। तो होटलों में तलाश की नहीं मिली, इतने में वो मोबाइल नंबर ट्रेस हो गया जिससे फ़ोन आया था अपहरणकर्ता का कि भाई 3 लाख रुपये मांग रहे हैं। उसकी ट्रैकिंग पर डाला गया तो उसकी लोकेशन काली डूंगरी में वहाँ आई। तो श्री संपूर्ण पटन की मॉनिटरिंग दत्ताधिकारी महोदय गीता चौधरी जी करी थी तो तीनों थानों की टीम बना के तलाश के लिए रवाना किया गया। तो काली डूंगरी पे थाना गांधीनगर का एरिया होने के कारण SHO गांधीनगर को श्रीमान दत्ताधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि वहाँ पहुँचे। इतने पीछे पीछे हम भी हमारी टीम के साथ वहाँ पहुँच गए तो काली डूंगरी में खेत में तीनों व्यक्ति मिले पुष्पेंद्र, उनका नाम पता पूछा तो एक ने पुष्पेंद्र, दो अन्य व्यक्ति थे, उनको लेके यहाँ श्रीमान CO साहब के समक्ष पेश किया। वहाँ गहनता से 2-3 घंटे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब हमारी जो पत्नी है उसके साथ ये जान पहचान हो गई, उसके साथ गलत काम किया। CO साहब कहीं ना कहीं इसमें हमले में अपहरण के साथ साथ दुराचार का मामला भी आ रहा है, क्या है पूरा मामला? उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये जो अपहरण जिन्होंने अपहरण किया उसकी पत्नी के साथ इसने गलत काम किया है। तो ये जयपुर से इसको बुलाया गया कि भाई तुम वो पत्नी के थ्रू कि वापस आओ। फिर ये दोपहर में 2 बजे उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के वहाँ ले गए और उसके मोबाइल से उसकी सिस्टर को फ़ोन करा कि भाई तुम 3 लाख रुपये लेके आ जाओ नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे। खुद इतला पर हम तुरंत कार्रवाई करते हुए पहुँच के पूरे मामले का खुलासा किया। अब पुलिस किस तरह से जाँच कर रही है? पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, एक तो जिसका अपहरण हुआ है उसकी रिपोर्ट पर 365, 384, 342 का दर्ज किया और पीड़िता की तरफ से भी 376 का मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। तीनों मुलजिम अरेस्ट हैं।